हेलो फ्रेंड्स, मेरे टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है। देखिए मेरे नैनो क्लॉक में खूब सारे देखिए फ्लावरिंग हो रही है और इसके फूल देखिए कितने खूबसूरत हैं, एकदम रोज जैसे लग रहे हैं। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और थोड़ी सी केयर में ही बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है। ये देखिए ये ऑरेंज कलर का है और ये देखिए पिंक शेड में है, डार्क और लाइट बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये प्लांट जो है ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरता, हैंगिंग बास्केट में इसको इजी लगा सकते हैं और ज़्यादा केयर भी नहीं इसको करनी पड़ती है इस प्लांट के लिए। और थोड़ी सी इसकी ये जो स्टिक्स होती हैं, थोड़ी सी ब्रांचेस कहीं से भी ले सकते हैं और वहाँ से ये लेकर कटिंग द्वारा इसको ग्रो कर सकते हैं, तो ये बहुत इजी ग्रो हो जाते हैं। बस थोड़ी सी ये कटिंग इस तरह से इसकी लेकर इस तरह से और ये लगा सकते हैं। तो मैं तो थोड़ी सी ही ये ब्रांचेस लाई थी कहीं से और फिर मैंने इसको इस तरह से थोड़ा बढ़ने के बाद में इसको तोड़कर इस तरह से लगाती रही और देखिए खूब सारी मेरी ये फैल गई हैं। और ये नर्सरी पे इजी मिल जाता है और ये वाला प्लांट तो मैं नर्सरी से ही लाई थी और मैंने इसमें भी इस तरह से कई तोड़ तोड़ कर इस तरह से मैंने लगा दी कटिंग और ये सारी इस तरह से मेरी बास्केट भर गई है। ये देखिए और इसमें वर्ड्स भी आना शुरू हो गई हैं, ये देखिए। और कटिंग करने के बाद में ब्रांचेज भी खूब सारी आ जाती हैं, तो वो नहीं है कि प्लांट बढ़ेगा नहीं, तो वो वाली चिंता नहीं होती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, पूरा भर जाता है ये प्लांटर। और ये देखिए मैंने खूब सारे अलग अलग कलर के मैंने एक ही में लगा दिए हैं, ये काफ़ी कलरफुल लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। देखिए ऑरेंज कलर का है ये वाला जो प्लांट है, इसकी लीव्स को सलाद में भी यूज़ करते हैं, विटामिन सी होता है इसमें, तो इसको इस तरह से बहुत से लोग प्रयोग में लाते हैं। सॉरी, तो आपको इस तरह से इसको लगा सकते हैं, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि बस उसी समय इसको जब इसकी कटिंग या इस प्लांट को लगाएं तभी कंपोस्ट इसमें लगाएं और उसके बाद में यह इजी चलता रहता है इस तरह से। पानी का ध्यान रखें कि इसके ऊपर की हल्की सी लेयर सूख जाए तभी इसको पानी दें और इसको धूप की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो 6 से 7 घंटे इसको धूप में रखें। यहाँ पर मेरी धूप ये 6 घंटे के लगभग यहाँ पर धूप आती है, उस जगह मैंने ये लगा रखे हैं और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह से काफ़ी ये लटक जाता है नीचे को तो बहुत ही अच्छा लगता है लटके लटके। तो ये मेरी देखिए सब में बर्ड्स आई हुई हैं इस तरह से और इस तरह के ये जो फूल आने पे इनको हटाते रहें, इसमें सीड होती है तो इसको कलेक्ट करके भी रख सकते हैं बोने के लिए, तो इसको ड्राई स्थान पर रख दें तो इसको सीड को इस तरह से, इसमें वाइट भी था, इसमें कई कलर आते हैं, ये वाइट का था, अब तो ये सूख गया है, तो इस तरह से सीड भी कलेक्ट करके रख सकते हैं, इससे ग्रो हो जाते हैं अच्छे से। और इस तरह से कटिंग लगाएंगे तो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, सीड से थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इस तरह से इस प्लांट को लगा सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है और इजी मेंटेनेंस है इसका, तो नर्सरी में इजी मिल ही जाता है, तो आप इस प्लांट को लगाएं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें और भी कलर आते हैं, काफ़ी कलर हैं इसके, तो वो आप लगा सकते हैं। और 10 रुपये का या 20 रुपये का छोटा प्लांट 10 रुपये का मिल जाता है नर्सरी पर, और थोड़ा बड़ा होता है तो वो 20 का 30 का इस तरह से मिल जाता है, तो आप फ्रेंड्स वहाँ से ये ले सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र लगाएंगे तो वो भी इसके लिए बेस्ट होता है फ्लावरिंग के लिए, तो आप उसको लगा सकते हैं। मैं तो प्याज के छिलके का जो मैंने आपको बताया भी है वीडियो में फर्टिलाइज़र लिक्विड, तो मैं तो वही लगाती हूँ, उससे काफ़ी भर के फ्लावरिंग होती है। तो अभी मैंने ये थोड़ा सा देना शुरू किया है, तो अभी इसमें अच्छे से आ रही है फ्लावरिंग हो रही है, तो
और भी अच्छे से होती है, काफ़ी भर जाता है ये, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देख सकते हैं मेरी वो प्याज के छिलके की, जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है, तो इस तरह से आप ही फ्लावरिंग ले सकते हैं प्लांट से। 9 o'clock को सुन सनलाइट में रखें और कंपोस्टी दें तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो देखिए मेरे खूब सारे फ्लावरिंग हो रही है। और इसके इस तरह से छोटे छोटे पीस भी लगाएंगे टुकड़े करके, तो देखिए तो ये भी अच्छे से लग जाते हैं।